Welcome on Easy Learning. Now, in this part of the video, and from these parts of the video, I am going to explain chapter Naranda Ancient Seat of Learning written by Dr. Rajan Prasad. Earlier, I have completed class 12, all chapters, prose and poetry, so you can watch patiently all of them and you can enjoy them. So, without wasting the time, I am going to explain some paragraphs in this part of the video and likewise i will complete some paragraphs in other parts of the videos respectively so let's learn some words of this paragraphs i am going to complete before uh, uh, going towards the chapter so, have, to so, chaliye dekhte hain kuch word ko pehle jo is chapter se related hai और जितना पैराग्राफ तो हम कराएंगे उतना ही वर्ड इस वीडियो में हम कराएंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे फर्स्ट है आपका रिनाउंड ये एक एडजेक्टिव है रिनाउंड -E -E होते हैं ये वेल नाउन फेमस मतलब जाने माने हुए फेमस इसे को कहा जाता है सिंबल मीन पहचान होते हैं सर्च है है, मतलब किसी चीज की तलाश करना किसी चीज की नकल करना इसके बाद ब्लॉसम है ये एक वर्ब है मीन्स फ्लॉरिश डेवलप कोई चीज का फलना फूलना कोई चीज का विकास होना इसके बाद आपका रैशियल डिस्टिंक्शंस ये नॉन का ये पुलरल दे रखा है एन पी एथनिक और कल्चरल डिफरेंसेस मतलब कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग गाल। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं मान के चलिए इंडिया में जिस तरीके से लोग खाते पीते या रहते हैं वो अमेरिका से अलग रहते हैं तो क्या है हमारा इंडिया जो है वो अमेरिकन कल्चर से अलग है क्योंकि अमेरिका में जो लोगों को खाना पीना रहना कपड़े पहनने का तरीका है या इंग्लैंड में है या किसी यूरोपियन कंट्री में है तो वो हमारा अलग है इसी तरीके से अगर अफ्रीका में जाते हैं तो डिफरेंट है तो इसी को कहा जाता है कल्चरल डिफरेंसेस अब चलिए आगे चलते हैं कॉन्शियसनेस एक नाउन है इट मींस अवेयरनेस एक्सपीरियंस मतलब चेतना होती है अवेयरनेस एक्सपीरियंस मींस अनुभव इसके बाद रेलम है R -E -A -L -M. इसको पढ़ा जाता है रियल नहीं पढ़ा जाता ये नाउन है इट मीनस फील्ड एम्बिट मतलब कोई क्षेत्र कोई इलाका इसके बाद है पिलग्रिम ये एक ट्रैवलर है मतलब जो यात्री होते हैं उसको पिलग्रिम कहा गया है तो चलिए अब हम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशियट यूनिवर्सिटी टाउन देखिए हम पहले बताए थे कि ये जो चैप्टर है ये, ये आपका जो डॉ आयन प्रसाद है इन्होंने एक स्पीच में ये चैप्टर बोला था जैसे कि आपका एक है किंग मार्टिन लूथर जो आपका जूनियर है उसने भी एक स्पीच दिया था यूएसए में तो उसी तरीके के ये स्पीच दिए थे और ये स्पीच मैंने बता रखा था कि कहां पे दिए थे ये दिए थे आपका एक स्टोन लाइंग सेरिमनी हो रही थी मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा में नवंबर ट्वेंटी वन को तो उसी समय जो उन्होंने कहा था उसी को इस चैप्टर में दिया गया है तो यहां पे ये शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम नालंदा में इकट्ठा हो गए हैं वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा हम लोग जमा हो गए हैं और ये नालंदा के बारे में आगे कहा जा रहा है कि जो नालंदा है वो प्राचीन जो यूनिवर्सिटी टाउन है वो जाने माने हैं मतलब ये नालंदा क्या है तो एंशियंट यूनिवर्सिटी है रिनाउंड मतलब जाने माने हुए प्राचीन यूनिवर्सिटी है विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा और इसका जो उद्देश्य क्या है नोबल एम है नोबल मतलब एक जो बहुत ही लगाव से कोई काम करते हैं उसको नोबल एम यहां पे कहा गया है वो ये है कि नालंदा की जो प्राचीन जो गरिमा है उसको दोबारा जीवित किया जाए मतलब आज जो नालंदा की स्थिति है वो खराब है पहले की तुलना में कुछ भी नहीं बचा कुचा है जो भी है एक नाम मात्र का एक ओपन यूनिवर्सिटी बच के रह गया है वहां पे तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि, कि किसी तरीके से उसकी जो ग्लोरी लॉस्ट कर, कर गई है उसकी गरिमा लॉस्ट कर गई है उसको दोबारा जीवित कर दिया जाए इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज मतलब दुनिया के ज्ञान में या दुनिया के नॉलेज में इट इज विद ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट और कहते हैं इसी जो हमारा विचार है इसी के उद्देश्य से दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट जिसे किस स्टेट की जो गवर्नमेंट है हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट यह निर्णय लिया है कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको स्टेब्लिश किया जाए किसके लिए तो पाली और प्राकृत की जो मतलब स्टडी है अध्ययन के लिए एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलासफी और बुद्धिस्ट लिटरेचर और जो फिलोसफी है उसके ऊपर रिसर्च के लिए तो समझ गए ये पहला में क्या है इन्होंने जो है मगध यूनिवर्सिटी के बारे में सॉरी ये आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है और साथ में इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ जो है इसमें इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अब आगे चलते हैं नालंदा इज द सिंबल ऑफ़ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आर हिस्ट्री कहते हैं हमारे जो इतिहास है वो एक गौरवकालीन जो हमारी एक पीरियड है मतलब एक जो युग है उसमें नालंदा सबसे सिंबल है मतलब एक हमारा एक चिन्ह है फॉर नॉट ओनली डिट द क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्लूजम हियर इन टू द फाइनेस्ट शेप केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर मैं नॉलेज को खोजा जाता था किसी ज़माने में जो कि बहुत फला फुला यहां पर में बहुत अच्छे तरीके से फाइनेस्ट से मतलब अच्छे तरीके से बट ऑल्सो बिकॉज इट बॉन्ड टूगेदर एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया विद्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं केवल इतना ही नहीं हुआ बल्कि क्योंकि इसने क्या किया एक ही समय में या उसी समय जब ये फुल, फुल मतलब फल फूल रहा था इसमें अपनी नॉलेज के साथ अपने ज्ञान के साथ तो उसी समय एक ही साथ इन्होंने क्या किया कि एशिया के जो बहुत सारे भाग थे उससे अपनी नॉलेज को जोड़ दिया लिंक कर दिया मतलब एशिया के बहुत सारे देश थे जहां पर में कि इस यूनिवर्सिटी की जो ज्ञान है वो आदान प्रदान होने लगे आपस में लेन देन होने लगे आगे देखते हैं देर आर नो नेशनल एंड राश्रियल डिस्टिंक्शन इन द रेल ऑफ नॉलेज एंड दिस ट्रू ऑफ नालंदा कहते हैं कि राष्ट्रीय और अगर रेशल डिस्टिंक्शन्स की बात करें तो यहां पर मैं कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं था नॉलेज के क्षेत्र में रेलम ऑफ नॉलेज और यह बात जो है नालंदा में बिल्कुल सत्य थी एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशंस ऑफ द एशियन मेनलैंड कहते हैं कि नालंदा का जो संदेश है वो उसे पहाड़ के उस पार या ओशंस के उस पार इस पार से उस पार मतलब पहाड़ के बाहर जो हमारे देश हैं पर्वतों के पार हैं या महासागरों के पार है एशियन लैंड में वहां भी सुनाई सुनाई मतलब हार्ड मतलब सुनाई सौ कब तक लगभग इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शसनेस और यह जो हमारा जगह है नालंदा यह एशिया की जो चेतना है इसका सेंटर बनना जारी रहा मतलब एशिया के लोगों में चेतना जगाया और यह सेंटर जो है कंटिन्यू रहा द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महाबीरा कहता है किस युग में नालंदा की हिस्ट्री थी तो इनकी जो हिस्ट्री है वो लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा के समय की है अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड लॉर्ड महाबीरा मेट आचार मन खिला एट नालंदा कहते हैं जैन रिकॉर्ड के हिसाब से जो लॉर्ड महावीरा है वो आचार्य मनखिला से नालंदा में मिले थे लॉर्ड महावीरा 14 इयर्स और कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा जो है वो यहां पर भी फोर्टीन ईयर्स तक रहे थे अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंग लिपा अरिच सिटीजन ऑफ नालंदा कहते हैं कि सूत्र जो कृतंग है लिपा इसके अनुसार से जो धनी जो सिटीजन है नालंदा के मतलब जो अमीर थे वहां पे लोग वेलकम टू लॉर्ड बुद्धा इन्होंने लॉर्ड बुद्धा का स्वागत किया विद हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजिशन मतलब ये धनी लोगों के पास जितनी भी संपत्ति थी पूरी संपत्ति और पूरा जो उनके पास सामान था उनके साथ कहां पर में इसी पे नालंदा पे और ये कौन थे लोग जो रिच सिटीजन थे वहां पे जो अमीर नागरिक थे और बाद में क्या हुए एंड बिकेम हिज डिसेबल और ये सब मिलकर के जो है वो आपके जो है लॉर्ड बुद्धा के जो है वो क्या हुए डिसेपल बन गए मतलब शिष्य बन गए चेले बन गए ये था सूत्र कृतंग लिपा के जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से अब आते हैं लामा तारंत के रिकॉर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लामा तारंत द लर्नड हिस्टोरियन ऑफ तिबेट नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सारी पुत्रा कहते हैं लामा तारंत के हिसाब से अनुसार से जो ज्ञानी या जाने माने हुए जो हिस्टोरियन है आपके तिब्बत के उसमें नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारी पुत्रा नालंदा जो थे वो सारी पुत्रा के जन्म के जगह थे जन्मभूमि थे समाधि समाधि हुवाइव टिल द रेन ऑफ एम्परर अशोका कहते हैं कि जिनकी समाधि जो है वो जो एम्पर अशोका की जो मतलब रेन थे मतलब साम्राज्य काल थे तब तक जो है जीवित थे हु बाई इंस्टॉलिंग ए टेम्पल अराउंड इट जिस अशोका ने क्या किए तो इसको बड़ा कर दिए इसके पास एक चारों तरफ मंदिर बनवा करके दिन एसोसिएट नालंदा विद लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पर अशोका कहते हैं जो परंपरा है यह परंपरा नालंदा की जो है वो लॉर्ड बुद्धा और अशोका जो सम्राट है इनसे जुड़ी हुई है ये टमर्ज एज ए फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम इन द गुप्ता एज लेकिन फिर भी यह गुप्ता एज के समय में एक फलती फूलती हुई यूनिवर्सिटी जो है उसमें बन के उभरी मतलब जो वंश था या गुप्ता का जो पीरियड था उस समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें एक नई चमक आ गई तारानाथ में नागार्जुन एंड आर्वा वसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी तारानंद तारानाथ जो है ये बताते हैं कि दोनों ही जो भिक्षु नागार्जुन है और आर्य देव है ये दोनों ही नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे and says further that, और आगे बताते हैं कि आचार्य है वो नालंदा आए थे विजिट किए थे एंड हैड स्कॉलरली डिस्कशन और साथ में वो विद्वान की बातें या चर्चा भी वहां किए थे इन द फोर्थ सेंचुरी एडी चाइनीज पिलग्रिम कहते हैं फोर्थ सेंचुरी एडी में एक चाइनीज पिलग्रिम है जो यात्री है जिसका नाम फाहियान है तो विजिटेड नालंदा ये नालंदा विजिट किए थे एंड द स्तूप कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट। और उस जगह पर में देखे थे कि स्तूप बनाए गए वे आर सारी पुत्र टुक बर्थ एंड डेड जहां पर सारी पुत्र जन्म लिए थे और मर गए थे बट इट वॉज नॉट अंटिल लेटर दैट नालंदा एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजिशन कहते हैं लेकिन यह उस समय का अधिक समय नहीं था बट इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर या उससे अधिक का समय नहीं था जब नालंदा ने जो है स्टैंडिंग पोजिशन को हासिल किया था इन द सेवे सेंचुरी एडी ठीक है कहते हैं ये जैसे मतलब समय काल बढ़ता गया वैसे वैसे नालंदा में एक नई तरह की ऊर्जा आती गई यहां पे कहते हैं कि सेवन सेंचुरी एडी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पर हर्षवर्धन जब हर्षवर्धन सम्राट की जो शासनकाल थे उस समय में ह्यूनसंग केम टू इंडिया ये ह्यूनसंग जो है भारत आए थे नालंदा वॉज द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी उस समय नालंदा जो थे वो अपने गरिमा की चरम पे थी रेफरिंग टू ए जटाका स्टोरी कहते हैं जटाका स्टोरी का मतलब वर्णन करते हुए ह्यूनसंग राइट दैट ह्यूनसंग लिखते हैं कि इट्स डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालाम दा कि इसका नेम जो है नालंदा से पड़ा हुआ है नालंदा जिसका नाम है द पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग की शांति विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस वर्थ जिससे कि लॉर्ड बुद्धा अपने पूर्व जन्म में जो है हासिल करने में असफल रहे थे तो विद दिस आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस थ्री पैराग्राफ्स नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कवर सम पैराग्राफ्स